नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो दोस्तों बताने से पहले यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों जो भी भाई देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को स्काइप मत करिएगा, बहुत ही कमाल का वीडियो है। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिनका खाता पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में था वो कन्वर्ट हो गया है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक जो है पूरी तरह से बंद हो गया है और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक जो है अभी पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही है। तो दोस्तों वर्क न करने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या क्या आ रही हैं तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा। इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोग का अधिक समय नहीं लेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले, यदि आप कहीं पैसा निकालने जा रहे हैं आधार कार्ड से, वो भी नहीं निकल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहा है। उसके बाद यदि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चला रहे हैं, उसमें बैंक नहीं ऐड हो रहा है, ना ही बैंक बैलेंस आपका चेक हो रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही हैं आप लोगों को। तो दोस्तों यह सब कुछ दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे क्या करना है, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बहुत ही कम समय इस वीडियो में लूँगा, तो आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जिनका पैसा सरकारी आ रहा है, जैसे पीएम किसान, ई श्रम कार्ड, पेंशन जिनका भी आ रहा है दोस्तों, और सब्सिडी, गैस सब्सिडी जो भी है वो भी अभी तक आ नहीं पा रही है, वो भी रुक गई है। तो दोस्तों पूर्वांचल ग्रामीण बैंक पूरी तरह से बंद होने के कारण जितना भी पैसा आ रहा है सरकारी, वो भी सब अभी रुका हुआ है। तो दोस्तों यदि आप सही नहीं करवाएंगे तो आपका भी पैसा फंस सकता है और पैसा भी हो सकता है ना आए, इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है ये काम करना। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको क्या करना है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक जो है आपका पूरी तरह से वर्क करने लगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है अपने बैंक में, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में, और आपको क्या क्या ले जाना है तो मैं बताना चाहूँगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक। तो दोस्तों यह सब कुछ लेके बैंक में जाना है। तो दोस्तों आपको वहाँ बोलना है, सर मेरा ई केवाईसी कर दीजिए। तो दोस्तों आपका वहाँ ई केवाईसी फिंगरप्रिंट के माध्यम से हो जाएगा। उसके बाद होने के बाद जो है आपका पूरी तरह से बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक जो है पूरी तरह से धीरे धीरे वर्क करने लगेगा, और जो भी पैसा आपका फंसा हुआ है सब धीरे धीरे दोस्तों आने लगेगा, और जो भी है यूपीआई, जो भी मतलब सब कुछ है आपका धीरे धीरे सब कुछ चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में यही सब इन्फॉर्मेशन देने वाला था। तो आपको जल्द से जल्द अपने बैंक में जाना है, ये काम कर लेना है, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो भी है आपको बैंक में लेकर जाना है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में। तो ये काम कर लेना है, ई केवाईसी करवा लेना है। ई केवाईसी करवाते ही आप कहीं से भी आप पैसा निकाल सकते हैं, जो भी आपका सिस्टम है सब कुछ धीरे धीरे चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।